यहाँ से आधा इंच रखेंगे और ये गले की तरफ हल्का सा झुकता हुआ हमारा सिलाई लगना चाहिए, जिससे कि गले की जो गिरने की शिकायत होती है वो नहीं आएगी। यहाँ पर भी दोस्तों ये 34 इंच हमारी बनके तैयार आ गई। यही ट्रिक है दोस्तों हमारी ब्लाउज की साइड जोड़ने की। हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम अस्तर वाले चार डॉट ब्लाउज की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। इसकी दोस्तों कटिंग हमने फर्स्ट पार्ट में दिखा दी है और इसका अस्तर अटैच करना दोस्तों हमने सेकंड पार्ट में दिखाया है। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो देखकर सीख सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे प्लेट डालना और साइड परफेक्ट नाप से किस तरीके से जोड़ें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये दोस्तों हमारी बाजू में ये फ्रंट पल्ला है दोस्तों, इसमें चार डॉट के निशान जो लगे हुए हैं दोस्तों, ये हमारा फ्रंट पल्ला है और ये दोस्तों बैक पल्ला है। ये अस्तर वाला दोस्तों ब्लाउज है हमारा, इसमें हमने अस्तर अटैच करना दूसरे पार्ट में दिखाया है दोस्तों और इसकी कटिंग करना दोस्तों फर्स्ट पार्ट में दिखाया है। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों ये हमारा बैक पल्ला हो गया, ये फ्रंट पल्ला हो गया और ये बाजू है। और दोस्तों ये हमारा खर्चा है, जो भी कुछ इसमें यूज होगा हमारा वो सारा कुछ इसमें डिटेल बताया जाएगा किस तरीके से हम खर्चा यूज करें, ठीक है। अब मशीन पे चलते हैं और इसकी स्टिचिंग करना सिखाते हैं। ये दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको फ्रंट पल्ले में डॉट डालना सिखा देते हैं, फिर उसके बाद आपको बैक पल्ले में सिखाएंगे। बैक पल्ला हम साइड हटा के रख देते हैं। दोस्तों हम फ्रंट पल्ला लेंगे, ये दोस्तों हमारे जिधर निशान लगे हुए हैं ये हमारा उल्टा साइड है, अस्तर अटैच करा हुआ है दोस्तों इसकी दोस्तों, ठीक है। और सबसे पहले हम दोस्तों इसमें एक पल्ले में डॉट डालना आपको सिखाते हैं, उसके बाद दूसरे पल्ले में भी जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा उसी तरीके से प्लेट डाल लेंगे। ये दोस्तों जो हमारे निशान लगे हुए हैं, इन्हीं निशानों पे दोस्तों सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस सिलाई इसीलिए लगाएंगे, ये कपड़ा जो दोस्तों हमारा लीजी विजी कपड़ा है, इस तरीके से जब अस्तर पकड़ेंगे दोस्तों तो हमारा अस्तर तो हमारे हाथ में आ जाएगा लेकिन ये जो कपड़ा है ये छूट जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जहाँ तक हमारे ये निशान लगे हुए हैं डॉट के जो कट का पॉइंट लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ तक हम चारों में निशान के सीध पे सिलाई लगा देंगे। चारों डॉटों में दोस्तों निशानों पे हम सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि प्लेट डालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोस्तों हमने चारों प्लेटों पे सिलाई लगा ली है दोस्तों, अब इसे जो धागा है हमारा इसे कटिंग कर देंगे। इसमें दोस्तों जो हमने सिलाई लगाई है ये दोस्तों हमारा यहाँ तक निशान लगा हुआ है, तो यही निशान तक ही जहाँ तक हमारी डॉट की सिलाई चलेगी वहाँ तक हमने सिलाई लगाई है। अब दोस्तों इसमें हमने चारों में सिलाई लगा ली, अब दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें प्लेट डालने में। तो इस तरीके से सबसे पहले दोस्तों हम जो बीच वाली प्लेट है इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों कितनी चौड़ी प्लेट डालेंगे वो आपको समझा देते हैं। यहाँ से दोस्तों 1.25 इंच की यहाँ पर प्लेट डालेंगे। यहाँ पर जितनी हम इसमें मार्जिन का दबाव देते हैं, प्लेट का जो दबाव देते हैं दोस्तों, उतनी चौड़ी हम यहाँ पर प्लेट डालते हैं। ये दोस्तों जो मार्जिन का दबाव कितना देना चाहिए प्लेट में वो दोस्तों कटिंग की वीडियो में देख लेना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस तरीके से जो हमारी प्लेट पड़ेगी मैं चौक लगा के आपको समझा देता हूँ किस तरीके की प्लेट पड़ेगी। यहाँ से एकदम तीर जैसा निशान जाएगा इस तरीके से और यहाँ पर हल्की सी गुलाई में लिया जाएगा, यहाँ से एकदम सीधा आएगा नीचे से और यहाँ से गुलाई में ऐसे एकदम से तीर जैसा आएगा, यहाँ से गुलाई में लेके हल्का सा और एकदम से सीधी प्लेट हमें डालनी है। ये देखिए दोस्तों जैसा हमने निशान लगाया है उसी शेप में ही दोस्तों हमने ये प्लेट डाली है। इसमें दोस्तों हम डबल सिलाई लगा लेंगे। ये दोस्तों हमने एक प्लेट पे सिलाई लगा दी है और एक प्लेट डाल ली हमने। अब दोस्तों दूसरी वाली प्लेट लेंगे, इस साइड वाली जो हमारी दोस्तों साइड में जो इससे छोटी प्लेट है उसे हम इस तरीके से अच्छे से पकड़ेंगे। और ये दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से प्लेट पड़े। एक पैर की सिलाई क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो पैर के बराबर से दोस्तों हमारा कपड़ा चलता है तो वो होती है एक पैर की सिलाई, ठीक है। तो हमें इसमें जो प्लेट पड़ेगी हमारी वो एक पैर से थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी। तो इस तरीके से पैर, एक पैर का हमने समझा दिया कितना हुआ। अब एक पैर से दोस्तों यहाँ पर दो सूत तक दोस्तों हमारा
कपड़ा बाहर निकलना चाहिए और हम एकदम यहाँ से इतनी दूरी तक दोस्तों हमारी एक पैर से ज़्यादा की सिलाई लगेगी, ठीक है, आधी प्लेट तक। उसके बाद जो हमारा प्लेट है ये बराबर से आ जाएगी इस तरीके से। मैं किस तरीके से सिलाई लगा रहा हूँ वो आप दोस्तों ध्यान से देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक दोस्तों एक पैर से ज़्यादा की हमारी सिलाई लगेगी, यहाँ तक एक पैर से ज़्यादा की हमारी सिलाई लगी आधी प्लेट पे। अब दोस्तों सिलाई यहाँ से हमारी जो प्लेट का कपड़ा मार्जिन रहेगा दोस्तों वो पैर के बराबर से आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ तक दोस्तों हमारा कपड़ा एक पैर से ज़्यादा का था, उसके बाद एकदम तीर जैसा निशान आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्लेट हम डालते हैं वो एकदम सीधी डालते हैं इस तरीके से, ठीक है, एकदम सीधी जो हमारी सिलाई लग के आती है वो एकदम अच्छे से नीचे उतरनी चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों प्लेट तो डालते हैं लेकिन सिलाई किस तरीके से लगाते हैं, यहाँ पर तो हम एकदम से सीधा ले आएंगे, एकदम से सीधा लाएंगे और जहाँ पर हमारा लास्ट होगा ना वहाँ पर क्या करते हैं हम इस तरीके से प्लेट को घुमा देते हैं, इस तरीके से ये प्लेट हम घुमा देते हैं। यहाँ से तो इस तरीके से सीधा लेके आएंगे लेकिन जब हम मशीन को उतारते हैं प्लेट पे से तो हम इस तरीके से इसे नीचे की तरफ घुमा देते हैं, तो ये प्लेट डालने का हमारा तरीका सही नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उसी तरीके से ही आप प्लेट डालें तो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेट बनेगी। अब इस पर भी दोस्तों हम डबल सिलाई लगा देते हैं। ये दोस्तों हमारी दूसरी प्लेट पड़ गई। अब दोस्तों हम तीसरी प्लेट डालेंगे, तीसरी प्लेट भी इस तरीके से उठाएंगे दोस्तों। अब इसमें भी दोस्तों हमारी आधी जो प्लेट पड़ेगी वो एक पैर से ज़्यादा की पड़ेगी, ठीक है, जो अभी मैंने आपको समझाया उसी तरीके से आधी प्लेट जो पड़ेगी एक पैर से ज़्यादा की पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों एक पैर के बराबर से यहाँ पर सिलाई लगेगी, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इस तरीके से हमने कपड़ा सा हल्का सा ज़्यादा ले लिया है, यहाँ तक हमारी जहाँ आधी प्लेट आएगी उसी जगह पे ही दोस्तों हमारा पैर कपड़े के बराबर से आ जाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों इसमें हमने एक पैर से हल्की सी एक सूत ज़्यादा सी मार्जिन लेके प्लेट डाली है और प्लेट एकदम क्रॉस में डाली है, ठीक है। अब इस पर भी डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये दोस्तों हमारी तीसरी प्लेट पड़ गई। अब चौथी प्लेट आपको डाल के दिखाते हैं। ये जो दोस्तों हमारी चौथी प्लेट पड़ेगी वो छोटी वाली है सबसे, ठीक है, ये पड़ेगी दोस्तों एक पैर की, एक पैर की प्लेट पड़ेगी दोस्तों। इसी तरीके से पैर के बराबर से सिलाई लगाएंगे हम कपड़े को रखकर और हम प्लेट डाल देंगे। ये दोस्तों हमने चौथी भी प्लेट डाल दी, इसमें हमने एक पैर की प्लेट डाली है, ठीक है। अब इसे सीधा करके देखते हैं। इस तरीके की दोस्तों हमारी फॉल बनकर आएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसका हम मैं एक बार आपको नाप प्लेटों का नाप लेके दिखा देता हूँ कितनी कितनी मार्जिन की हमने प्लेट ये डाली है। ये दोस्तों जो हमने डाली है सबसे पहले सेंटर की हम प्लेट शुरू करते हैं। ये दोस्तों जो हमने डाली है वो पौनी चौड़ी प्लेट डाली है, नीचे से ऊपर जाके हमने पतली कर दी है। और यहाँ से दोस्तों जो हमने डाली है ये वाली जो प्लेट डाली है हमने ये डाली है दोस्तों आधा इंच से एक सूत कम की, ठीक है, आधा इंच से एक सूत कम की। आप आधा इंच की भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी प्लेट हमने आधा इंच से एक सूत कम की डाली है और तीसरी प्लेट ये दोस्तों जो डाली है ये डाली है हमने आधा इंच से दो सूत कम। ये दोस्तों हमारा आधा इंच है, एक सूत ये हो गया और एक सूत ये हो गया, तो दो सूत कम हमने आधा इंच की ये चौड़ी प्लेट डाली है और ये दोस्तों डाली है हमने दो सूत की, ठीक है। यहाँ से दिखा देता हूँ, एक सूत हमारा ये हो गया और एक ये हो गया, ये हमने दोस्तों तीन सूत की प्लेट डाली है, ठीक है। ये दो हमारी गैपिंग आ रही है, तीन, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो तीन सूत की हमने ये प्लेट डाली है। अब इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरे वाले पल्ले में भी दोस्तों प्लेट डालेंगे, लेकिन जब आप प्लेट डालें तो ये ध्यान जरूर रखें दोस्तों यहाँ पर एकदम सीधी प्लेट डालनी चाहिए, यहाँ पर आकर नोक नहीं बननी चाहिए, इस तरीके से घुमाव नहीं होना चाहिए। इसमें भी दोस्तों हमने प्लेट डाल ली हैं अच्छे से और दूसरे पल्ले में भी, पहले पल्ले में दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया था किस तरीके की प्लेट पड़ेगी, ठीक है। ये दोस्तों दोनों हमने पल्लों में फ्रंट वाले पल्ले में हमने प्लेट डाल दी। अब इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगाना आपको सिखा दें। इसमें एक दोस्तों ट्रिक है जिससे कि आप ये ट्रिक सीख लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि हमारी हुक पट्टी किस में लगे और आई पट्टी किस में लगे।
अब दोस्तों मैं सबसे पहले आपको हुक पट्टी लगा के दिखाऊंगा, इसमें मैं समझा देता हूँ कौन सी ट्रिक है। ठीक है, इसमें ये दोस्तों इस तरीके से हमारा रखा हुआ है ब्लाउज, दोनों पल्ले आमने सामने में हैं। अब दोस्तों यहाँ से गले की तरफ से जो दोस्तों हमारी पट्टी लगेगी, यहाँ से ये गले की तरफ से हमारी पट्टी लगेगी, जो गले की तरफ से वो लगेगी हुक की पट्टी। ठीक है, गले की तरफ से लगेगी, और नीचे की तरफ से जो हमारी लगेगी वो लगेगी दोस्तों आई की पट्टी। ठीक है, ये हमारी हुक की पट्टी लगेगी जो गले की तरफ से, और नीचे की तरफ से जो लगेगी वो आई की पट्टी लगेगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं दोस्तों आपको हुक की पट्टी लगाना बताऊँगा। ये दोस्तों हमारा खर्चा है, इसमें से इस तरीके से डबल में नापेंगे, और यहाँ से डबल में कपड़ा करने के बाद इस तरीके से नाप लेंगे कि हमारा दोनों पल्लों में ये लग जाएगा। तो दोस्तों एक पल्ला ये हम हटा देते हैं अस्तर का, और दूसरा पल्ला इसमें बीच में से कटिंग कर देते हैं। ठीक है, अब इसको इस तरीके से डबल में हम फोल्ड करेंगे, फिर नाकू लगा लेंगे, जिससे कि हमारी पट्टी एकदम से फोल्ड हो जाएगी। ये जो पट्टी हमने फोल्ड करी है दोस्तों, वो एक इंच चौड़ी पट्टी फोल्ड करी है। ठीक है, डबल में है, यानी कि 2 इंच हो जाएगी सिंगल में, और डबल में है दोस्तों 1 इंच चौड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पट्टी को कटिंग कर लेते हैं। ये पट्टी हमने कटिंग कर ली, अब दोस्तों गले की तरफ से जो लगेगी वो लगेगी दोस्तों हमारी हुक की पट्टी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, आप कभी भी पट्टी गलत नहीं लगा सकते, अगर ये चीज़ आप याद रखेंगे तो। अब इस तरीके से गले की तरफ से जो हम पट्टी लगाएंगे वो है हमारी हुक की पट्टी। अब यहाँ से दोस्तों पट्टी को हम बराबर से रखेंगे, नीचे से भी हम बराबर से ही रख लेंगे इसे। अब यहाँ पर हम जो हुक के मार्जिन का दबाव देते हैं दोस्तों, हुक के दबाव का जो मार्जिन देते हैं, उतना मार्जिन लेके आप दोस्तों इसमें सिलाई लगाएंगे। कितना मार्जिन रखते हैं दोस्तों, आधा इंच का हम मार्जिन रखते हैं नॉर्मली, और वो आप कटिंग की वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना हम मार्जिन रखते हैं। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर दबाव जो है हमारा क्लियर डालने के बाद आगे पीछे हो जाता है। तो दोस्तों जो ऊपर वाली पट्टी का हमारा दबाव है एकदम सीधा इस तरीके से ही रखेंगे, नीचे वाले दबाव में हम नहीं जाएंगे। ऊपर का जो दबाव है हमारा, नीचे वाला जो दबाव निकल रहा है, इसे इसी तरीके से निकलते रहेंगे, ऊपर वाले दबाव के बराबर से दोस्तों हम इसी पट्टी को रखेंगे। इस जगह पे नीचे वाला जो पल्ले का दबाव था, जैसे कि दोस्तों इधर हमारा इस पल्ले में प्लेट डालने के बाद आगे पीछे मार्जिन हो जाता है इसका, तो नीचे वाले पल्ले का जो है दबाव हमने छोड़ दिया है, ऊपर वाले पल्ले के बराबर से ये पट्टी हमने रखी है। अब इस कपड़े को जो हमारा निकल रहा है इसे कर देंगे कटिंग। दोस्तों इस पर हम नाखून लगाएंगे इस तरीके से। नाखून लगाने से क्या होता है दोस्तों, थोड़ी बहुत जो झोल होती है वो हमारी फिनिशिंग हो जाती है। अब इसके बाद पट्टी की तरफ हम मार्जिन रखेंगे, और पट्टी के ऊपर दोस्तों एक लपकी सिलाई लगाएंगे। ये दोस्तों हमने लपकी सिलाई लगा दी, अब इसको इसी तरीके से अच्छे से बराबर से मोड़ेंगे लपकी सिलाई कपड़े के बराबर से, और इसमें दोस्तों हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। इसमें दोस्तों हमने 20 सेंटर पे लपकी सिलाई लगा दी है, ये दोस्तों हमारी सिलाई खुल जाएगी तुरपाई होने के बाद। ये दोस्तों जब हम ब्लाउज फिनिशिंग करेंगे उस टाइम हमारा ये तुरपाई होती है पट्टी। ठीक है, और ऊपर से भी दोस्तों हमने फिनिशिंग से ये गले के बराबर से काट दिया, और नीचे से भी हमने अच्छे से कटिंग कर दिया। अब दोस्तों ये हमारी हो गई जो गले की तरफ से लगती है वो हुक पट्टी हो गई दोस्तों। अब नीचे से जो लगेगी वो आई पट्टी होगी, ये गले से लग गई, ये हुक पट्टी हो गई दूसरे एक पल्ले की। अब ये दोस्तों नीचे तरफ से लगेगी, ये होगी हमारी आई पट्टी। अब इसको भी दोस्तों 2 इंच चौड़ा हम पट्टी कटिंग कर लेंगे, 2 या 2.5 इंच। 2.5 इंच हुक वाली पट्टी जो होगी दोस्तों वो 2 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग होगी, और आई वाली पट्टी जो होगी दोस्तों वो 2.5 इंच हमारी चौड़ी कटिंग होगी। 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर ली। अब दोस्तों ये हमारा अस्तर है, और इसमें दोस्तों हम कपड़ा लेंगे, ये कपड़ा लेंगे। ठीक है, खर्च ब्लाउज में खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम होता है दोस्तों, तो आप ध्यान से ही खर्चा करें कपड़े का। ठीक है, अब इस तरीके से हम पट्टी अस्तर के बराबर से ही नीचे कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। अस्तर के बराबर दोस्तों हमने कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब एक तरफ से दोस्तों आधा इंच का मार्जिन लेते हुए अस्तर को और कपड़े को साथ में इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा दें। ठीक है, ये हमने इस पट्टी पे सिलाई लगा दी अस्तर के साथ अटैच करके कपड़े में। ठीक है, आप खर्चा ये जो पट्टी हम दोस्तों लगा रहे हैं ये तभी पट्टी आप लगाएं
जब आपका बाजू वगैरह सारे कुछ रेडी हो जाए उसके बाद हमें ब्लाउज का खर्चा यूज़ करना चाहिए। फिर बाजू बनने के बाद दोस्तों हम ब्लाउज का खर्चा यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्लाउज में काफ़ी ज़्यादा कम खर्चा होता है, तो इसलिए बाजू बनने के बाद ही उसमें जोड़ वगैरह लगते हैं बाजू में, तो बाजू बनने के बाद ही दोस्तों हम ये पट्टी वगैरह लगाएंगे। सबसे पहले हम बाजू रेडी करते हैं क्योंकि बाजू में जोड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, जो हमारा कपड़ा बचता है फिर उसके बाद हम ये पट्टी वगैरह यूज़ करने में कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों इस पट्टी को हम नीचे की तरफ से इस तरीके से मिला के रखेंगे हम, और यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए जो नॉर्मल हम पट्टी में देते हैं उस तरह ही मार्जिन लेके एक सिलाई सीधी लगा। दोस्तों हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगा दी। अब इसमें दोस्तों नाखून लगाएंगे इस तरीके से अच्छे से, और यहाँ पर उल्टा करने के बाद दोस्तों इस पट्टी को सिलाई के बराबर एक दो सूत दोस्तों बाहर की तरफ हम निकालेंगे। ये दोस्तों हमारी सिलाई है, इसे एक सूत या दो सूत इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे पट्टी को, और यहाँ पर दोस्तों हम लंबी सिलाई लगा देंगे। इस जगह पे हम लंबी सिलाई लगाएंगे। एक लंबी सिलाई दोस्तों हमने इसमें लगा दी है, और इसी के बराबर से हम दूसरी सिलाई लगा देंगे, और इसी के गले के बराबर से दोस्तों इस तरीके से सीधा हम इसे कटिंग कर देंगे। ये दोस्तों हमने फिनिशिंग से कटिंग कर दी है, और ये दोस्तों हमारी हुक आई की पट्टी अटैच हो गई, ठीक है। अब दोस्तों बैक पल्ले में आपको प्लेट डालना सिखाते हैं, फिर उसके बाद ये ब्लाउज की साइडें किस तरीके से जोड़ेंगे वो आपको सिखाएंगे। ये दोस्तों हमारा बैक पल्ला है, बैक पल्ले में दोस्तों हम आपको प्लेट डालना बताते हैं। इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, और यहाँ से दोस्तों ये हमारा नीचे तरफ जो कुटके लगे हुए हैं, ठीक है, अब इस कुटके से दोस्तों इस तरीके से निशान हम सीधा उठा लेंगे यहाँ तक, जहाँ तक हमारे डॉट का निशान लगा हुआ है। ये दोस्तों हमारे यहाँ तक लगे हुए हैं, यहाँ पर भी इस प्लेट में भी दोस्तों हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहीं से दोस्तों पौने इंच का इस तरीके से जो मैंने आपको फ्रंट पल्ले में बीच की प्लेट लगाना बताई थी, उसी तरीके से यहाँ से हमारा पौने इंच कपड़ा रहेगा, और इसी तरीके से हमारी सीधे में प्लेट पड़ जाएगी। जैसे हमारी बैक पल्ले में पड़ेगी वैसी फ्रंट के ये जो हमारी प्लेट है, ये दोस्तों बैक पल्ले की और फ्रंट पल्ले की एक जैसी ही प्लेट पड़ती है। ये दोस्तों हमने बैक पल्ले में भी प्लेट डाल दी है दोनों तरफ, और इसमें अच्छे से इसे सीधा कर देंगे। अब दोस्तों आपको साइड जोड़ना बताते हैं, चेस्ट और कमर किस तरीके से नापते हैं और किस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। ये दोस्तों हमारे नाप है, इसकी चेस्ट दोस्तों 34 इंच है और कमर हमारी 26 इंच है, ठीक है। ये हमारा फिक्स नाप है, 34 इंच चेस्ट है और 26 इंच कमर। अब यहाँ से दोस्तों ये तो हमारा जो बैक पल्ला है ये है सीधा, यहाँ से फ्रंट पल्ला एक उठाएंगे दोस्तों इस तरीके से, यहाँ से हमारा ये सीधा है फ्रंट पल्ले का, ठीक है, और बैक का ये सीधा है, तो इसको इस तरीके से अच्छे से रखें। हुक आई की पट्टी दोस्तों ये है हमारी हुक की पट्टी, ठीक है, आई की पट्टी हमारी ये है नीचे की तरफ से जो लगी है, तो एक पल्ला हम इसको उठाएंगे, और ये दोस्तों हमारी बैक में सेंटर की सिलाई लगी हुई है। इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे बराबर से, इसमें भी दोस्तों हमारी ट्रिक है, इस तरह हमारा ये कपड़ा नहीं निकला हुआ, ठीक है, इस पट्टी में दोस्तों हमारा कपड़ा निकला हुआ, ये दोस्तों हमारे जो हमने लगाई नीचे से जो पट्टी हमने लगाई है उसमें कपड़ा निकाल के लगाई है बाहर की तरफ, ठीक है, और जो हमारी हुक की पट्टी है वो हमने लगाई बराबर से। तो जो हमारी हुक की पट्टी होती है उसे इस तरीके से बराबर से रखते हैं, ठीक है। दोनों पल्ले हमारे अलग तरीके से जुड़ते हैं, वो आप दोस्तों ध्यान से देखो एक ही बार में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। हुक की पट्टी है तो इसे सिलाई के बराबर से जो हमारी बीच पल्ले में क्रीच बनी हुई उसी के बराबर से अच्छे से रखेंगे, और ऊपर से भी दोस्तों ही हम शोल्डर पे कंधे पे फ्रंट पल्ले को दोनों आपस में इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है, आपस में रखेंगे। अब इसको अच्छे से यहाँ पर रखेंगे दोनों पीस यहाँ पर आपस में बैठा कर। अब यहाँ से दोस्तों कमर हम हाफ में नापेंगे, यानी कि हमारी 26 इंच कमर है तो आधा हो गया हमारा 6 × 12 और 6.5 × 13 हो गया डबल में, तो 13 × 26 यानी कि 6.5 इंच हमारा यहाँ पर कमर का निशान लगेगा। और चेस्ट दोस्तों हमारी थी 34 इंच, तो 34 इंच का आधा हो गया दोस्तों हमारा 8.5 इंच। यहाँ से इस तरीके से नापेंगे हम
बराबर से रखेंगे इस पट्टी के इंच टेप और 8.5 पे यहाँ पर ऊपर निशान लगा देंगे। अब इसी निशान पे दोस्तों एकदम हम ये चारों दोनों पल्ले आप ऊपर भी और नीचे भी और यहाँ से भी दोस्तों अच्छे से मिला देंगे और यहाँ से भी यहाँ पर क्रीज में हमारा ये पल्ला अच्छे से सेट होना चाहिए। अब इसको दोस्तों एकदम हम सीधी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये हमने सीधी सिलाई लगा दी और ये दोस्तों पल्ले हमारे ऊपर से भी एकदम अच्छे से फिनिशिंग से बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से भी दोस्तों हमारा एकदम अच्छे से मिला हुआ बैठा है, ठीक है, एकदम फिनिशिंग से। अब यहाँ से दोस्तों ये कपड़ा जो हमारा इसे कटिंग कर देंगे। अगर आपके पास इंटरलॉक है तो इंटरलॉक यहाँ पर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, इस तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, नीचे वाला पल्ले का ऊपर वाले का पल्ला इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर एक लगा देंगे सिलाई, इंटरलॉक की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने सिलाई लगा दी इसमें, ठीक है, इंटरलॉक की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों दूसरा पल्ला हम जोड़ेंगे, यहाँ पर इस तरीके से खींच लेंगे हम, इसे घुमा देंगे अच्छे से, ठीक है, वो पल्ला जुड़ा था जो हुक्काई का पल्ला था दोस्तों, उसमें हमारे दोनों काम गले की तरफ से हुए हैं, यानी कि पट्टी भी हमारी गले की तरफ से लगी है और ऊपर की तरफ से ही हमारी साइड जुड़ी है। और इसमें जो हमने पट्टी लगाई थी आई की पट्टी, ये भी दोस्तों हमारी नीचे की तरफ से ही सिलाई लगी है, पट्टी लगी है, और इसमें भी जो अटैच होगी वो भी दोस्तों हमारी नीचे की तरफ से होगी। अब दोस्तों इसमें जो पट्टी लगी हुई है हमारी, यहाँ पर इस जगह पर हम निशान लगा देते हैं, इतना एक्स्ट्रा जो पट्टी हमारी लगी हुई है उस एक्स्ट्रा पट्टी को दोस्तों हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे, यानी कि इस पट्टी को रखेंगे यहाँ से इस पट्टी के बराबर से, तो सिलाई का जो हमारा बीच सेंटर है हमारा बीच पल्ले में, तो इस तरीके से इसे रखेंगे, यानी कि पट्टी को निकाल देंगे बाहर इस तरीके से, इस पट्टी को निकाल देंगे बाहर। और दोस्तों इसको भी हम ऊपर से कंधी की तरफ से भी ऐसे अच्छे से मिला के रखेंगे और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आर्मोल की तरफ और कंधी की तरफ ये हमारा कपड़ा अच्छे से मिल के आना चाहिए और दोस्तों ये पट्टी भी हमारी सिलाई के बाहर अच्छे से निकल कर आनी चाहिए। और यहाँ पर भी दोस्तों हम इसी जगह से नाप लेंगे, यानी कि यहाँ से हमने जो पट्टी निकाल दी थी बाहर, यहाँ पर हमारी इतनी पट्टी जो सिलाई लगी हुई थी यहाँ पर लपकी सिलाई, ये दोस्तों जो हमारी लपकी सिलाई लगी हुई है यहाँ पर पीछे की तरफ दिख रही है, तो यहीं से हम इंच टेप रखेंगे और यहाँ पर 8.5 इंच का जितना भी आपका चेस्ट हो उसका 1/2 इंच आप इस तरीके से रख लेंगे और नीचे भी दोस्तों कमर आपकी जितनी हो उतना 1/4 हिस्सा हम नीचे रख लेंगे, यानी कि 6.5 इंच और 8.5 इंच। अब इस तरीके से इसको आपस में मिला के इस पर हम लगा देते हैं सिलाई। इसमें दोस्तों हमने ये सिलाई लगा दी है, अब इसकी हम चेस्ट और कमर फिक्स किस तरीके से नापेंगे वो आपको सिखाते हैं। इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे हम। अब सबसे पहले नीचे का जो हम मार्जिन देते हैं दबाव का, जो फोल्डिंग का मार्जिन देते हैं दोस्तों, उसे हम निकाल देंगे, यानी कि जो अंदर तुरपाई का फोल्ड होगा वो दोस्तों हम 1/4 इंच या 1.5 इंच तक हम रखते हैं, उसे इस तरीके से निकाल देंगे। अब यहाँ से इतनी दूरी पर हमने ये मार्जिन निकाल दिया, तो इतनी दूरी पर दोस्तों हम इंच टेप रखेंगे और कपड़े को आपस में इस तरीके से इंच टेप के आपस में कपड़े को रखेंगे। यहाँ से 1/2 नाप लिया, फिर उसके बाद ये डबल हिस्सा नाप लिया हमने, 13 दूनी 13 पे आ गए दोस्तों। अब यहाँ पर भी दोस्तों हम बराबर से रखेंगे इंच टेप को, जितना हमने नीचे दबाव का कपड़ा निकाल दिया था उतना ही हम निकालते हुए रख देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा आ रहा है 1/26 इंच, इसकी कमर जो आ रही है 1/26 इंच आ रही है यहाँ पर, तो यानी कि 2 सूत के लमसम में कमर हमारी और दबेगी तब हमारी ये फिक्स हो जाएगी। अब इसी तरीके से दोस्तों हम चेस्ट नापेंगे, यहाँ से जो हमारी पट्टी एक्स्ट्रा निकली हुई है उसी जगह से हम बराबर से रखेंगे, ठीक है, ये 8.5 इंच हमारा एक हिस्सा आ रहा है 8.5 इंच। अब इसी तरीके से गले का जो सेंटर है दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, इंच टेप को रखेंगे कपड़े के बराबर से ही, यहाँ पर आ रहा है 17 इंच हमारा दोस्तों। अब दोस्तों तीसरा हिस्सा है हमारा, यहाँ पर आ रहा है ये 1/25 इंच, कपड़े को इंच टेप के बराबर से ही रखेंगे। अब इसी तरीके से जो लास्ट वाला हिस्सा है दोस्तों वहाँ पर आ रहा है हमारा 34.5 इंच, तो यानी कि दोस्तों एक जैसा हमारा नहीं, थोड़ा बहुत अंतर है नाप में। तो क्या करेंगे दोस्तों इसे किस तरीके से ठीक करेंगे, यहाँ से इस पल्ले को आपस में मिलाएंगे, यानी कि फ्रंट का पल्ला ये दोस्तों हमारा, तो इस ये फ्रंट का पल्ला है तो आपस में इस तरीके से इसे रखेंगे, ठीक है, और फ्रंट पल्ले को यहाँ से हम ऊपर से सिर्फ फ्रंट पल्ले को, सिर्फ आगे का हिस्सा दोस्तों जो हमारा उसको इस तरीके से आपस में मिलाते हुए जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों ऊपर का जो हमारा पल्ला है ये है 1/2 इंच
कम, यानी कि अभी हमारा नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा आधा इंच हमारा यहाँ से दबेगा, ठीक है। इस जगह से हमारा दबेगा ऊपर वाला, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला हमारा टाइट है और नीचे वाला लूज है, तो आधा इंच का हमारा फ़र्क आ रहा था, तो ऊपर वाला नीचे वाला जो पल्ला है वो आधा इंच हमारा दब जाएगा तो ठीक हो जाएगा नाप, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों हम नीचे का पल्ला इस तरीके से पट्टी जो हमारी निकलती हुई लगती है उसी के बराबर से इस तरीके से रखेंगे और इसको आपस में मिला देंगे, यानी कि इसमें दोस्तों जो है हमारी कमी वो ऊपर वाले पल्ले में है, हल्की सी है, दो सूत का फ़र्क आ रहा था तो उतनी हमारी ऊपर वाले हिस्से में है, नीचे वाले में नहीं है। तो एक तरफ दोस्तों हमारी इधर लगेगी सिलाई आधा इंच की। अब किस तरीके से लगाएंगे दोस्तों, यहाँ से एक पल्ले में रखेंगे बराबर से, ठीक है, यहाँ पर ऊपर दबेगा हमारा, इसे दबा लेते हैं और इस तरफ दबेगा दोस्तों हमारे नीचे में, सिर्फ दो सूत इंच जितना आपका लूज आ रहा है उसी हिसाब से ही आप यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऊपर से हमने यहाँ पर दबा के सिलाई लगाई और नीचे मिला दी, यहाँ पर दोस्तों दबा के सिलाई लगाएंगे और ऊपर मिला देंगे। ये दोस्तों हमारा नाप फिक्स हो गया है, अगर आप नापना चाहते हैं तो आप नाप सकते हैं। एक बार मैं आपको नाप के दोबारा से दिखा देता हूँ। इसी तरीके से बराबर से रखेंगे कपड़े को निकाल कर और यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारी आ रही 26 इंच तैयार आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हम चेस्ट नाप लेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों ये 34 इंच हमारी बनके तैयार आ गई। यही ट्रिक है दोस्तों हमारी ब्लाउज की साइड जोड़ने की। अब सबसे पहले क्या, अब इसमें दोस्तों क्या करेंगे, इसकी लंबाई हम नापेंगे। लंबाई हमारी 13 इंच है, ठीक है, 13 इंच लंबाई है हमारी इसमें। अब यहाँ से दोस्तों शोल्डर से रखेंगे हम, शोल्डर में भी दोस्तों हमारा आधा इंच का दबाव जाएगा ऊपर कंधे में, तो यहाँ पर दोस्तों 13.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 13.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, 13.5 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि लंबाई हमारी 13 इंच है, आधा इंच हमारा कंधे में जाएगा तो 13.5 इंच का हम निशान लगा लेंगे। अब इसी तरीके से फ्रंट पल्ले में भी दोस्तों ऊपर रखेंगे इंच टेप और 13.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इसी तरीके से तीनों पल्लों में दोस्तों हम निशान लगा लेंगे इसी तरीके से 13.5 इंच पे और इस इधर भी दोस्तों हम 13.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये दोस्तों हमारा निशान लग गया, इसे कर लेंगे उल्टा और दोस्तों जो हमने साइड जोड़ी थी इसको हम रखेंगे बैक की तरफ। अब यहाँ से दोस्तों कपड़ा इस तरीके से आपस में, यहाँ से अगर आपका आड़ा टेढ़ा कपड़ा निकल रहा है तो आप इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों अस्तर जब हमने जोड़ा था तो ये नीचे का जो पल्ला था वो हमने कटिंग नहीं करा है कपड़े का, वो अस्तर वाली जोड़ने की वीडियो यानी कि सेकंड पार्ट इसका देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ये नीचे का कपड़ा क्यों नहीं कटिंग करा था। तो दोस्तों क्यों नहीं करा था दोस्तों, यहाँ पर हमारा हल्का सा अस्तर जो है दोस्तों ये पीछे वाले कपड़े से हमारा ऊपर आ गया है, तो ये हमारा यहाँ पर कपड़ा हमारा एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पर बराबर से कपड़ा आ गया पीछे वाले पल्ले के हिसाब से। अगर हम यहाँ पर यह कपड़ा कटिंग कर देते तो हमारा इतना फ़र्क पड़ता, तो इसीलिए नीचे का कपड़ा हम कटिंग नहीं करते। वो दोस्तों सेकंड पार्ट भी हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि हमने क्यों नहीं कटिंग करा, वो हम इसमें समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों तुरपाई का फोल्ड करेंगे इस तरीके से, निशान जो हमने लगाया था उसी निशान पे ही दोस्तों यहाँ पर हमारा निशान आ रहा है, उसी निशान पे इस तरीके से इसे फोल्ड कर सिलाई लगाएंगे कच्चे। अब इधर से भी दोस्तों ये हमारा बैग की तरह भी कपड़ा रहना चाहिए अच्छे से। अब दोस्तों ये पल्ला हमारा एक तरफ जो सिल गया था उसे उठाएंगे और दूसरे पल्ले को हमारे जो होकाई की पट्टी है उन दोनों आपस में इस तरीके से मिला देंगे गले की तरफ से और नीचे भी इस तरीके से आपस में मिला लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे एक निशान। जो हमने निशान लगाया है इसी के बराबर से दोस्तों हम इसे यहाँ पर फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर ये कपड़ा फोल्ड करके अंदर और इसमें लगा देंगे सिलाई। ये दोस्तों हमने कच्चा करके इसमें लंबाई का नीचे जो तुरपाई का फोल्ड होगा उसे हमने सिलाई लगा दिया है इस तरीके से सीधे की तरफ से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको सीधा इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है। अब इसकी हम कंधी जोड़ते हैं, कंधे को इस तरीके से ब्लाउज को हम सीधा कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे इसे। अब यहाँ से दोस्तों कंधी हम आपस में इस तरीके से मिलाएंगे और हल्का सा दबाव इसमें हम देकर सिलाई लगा लेंगे।
इसमें दोस्तों हमने हल्का सा बिल्कुल एक दो सूत दोस्तों हमने इसमें दबाव लेके सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे और यहाँ पर एक नाखून लगा लेंगे दोनों कंधियों में इस तरीके से, और इसको इस तरीके से उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब इसमें दोस्तों आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे, और दोस्तों सिलाई जो लगाएंगे वो गले की तरफ इस तरीके से डाउन करते हुए लगाएंगे। यहाँ से ये हमारा आर्म होल हो गया, यहाँ से आधा इंच रखेंगे और ये गले की तरफ हल्का सा झुकता हुआ हमारा सिलाई लगना चाहिए, जिससे कि गले की जो गिरने की शिकायत होती है वो नहीं आएगी। ये दोस्तों हमने एक कंधी जोड़ दी है। अब इसी तरीके से दोस्तों दूसरी कंधी उठाएंगे, इसी तरीके से बराबर को एकदम बराबर से मार्जिन को जो दोस्तों एकदम बराबर से रखेंगे। अब यहाँ से दूसरी वाली पहली वाली कंधी के बराबर से इसे मिलाएंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। अब इसी तरीके से हम क्रॉस में लेते हुए इसे जोड़ देंगे। ये दोस्तों हमने कंधी इसकी जोड़ दी है दोनों, अब इसे करेंगे सीधा। ये दोस्तों हमारा ब्लाउज स्टिचिंग हो गया है आधा। ठीक है, इसमें हमारी गले की पाइपिंग और बाजू लगाना दोस्तों आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये दोस्तों हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए इस वीडियो में नहीं सिखा रहे। इसमें गले में पाइपिंग लगाना, पट्टी लगाना, तुरपाई वाली जो भी कुछ इसमें हम लगाएंगे वो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे, और बाजू लगाना दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। ये दोस्तों हमारी बाजू है और ये खर्चा वगैरह अस्तर वगैरह हमारा बचा हुआ है। अब इसका किस तरीके से इस्तेमाल होगा गले पट्टी में वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ये दोस्तों हमने आपको सिखाया आज कि प्लेट किस तरीके से डालें और साइडें किस तरीके से जोड़ें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लाउ कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। इसी तरह सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।